हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का जो आप लोगों का छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाला है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, उसके सिलेबस में आप लोग देखेंगे एक चैप्टर है आप लोगों का वर्गीकरण, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने एक वीडियोस आप लोगों का रीजनिंग का, एनालॉजी का डाल दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले जो है आप लोगों को मैं इसके सवाल पर लेकर चलता हूँ। देखिए सवाल में क्या कह रहा है ना, सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर आपको इसमें इस तरह का सवाल दिया जाएगा। एनालॉजी में क्या होता था, एक सवाल दूसरे पर डिपेंड होता था, फिर हम लोग को एक सवाल को देखकर दूसरे का आंसर करना होता था। लेकिन ये जो वर्गीकरण होता है, ये क्लासिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्गीकरण का मतलब हो जाता है कि इसमें तीन फिगर जो है आपको, चार फिगर आपको दिया जाएगा, ठीक है, चार फिगर आपको दिया जाएगा, चारों फिगर में से तीन फिगर आपको एक जैसा होगा और एक फिगर जो है वो सबसे अलग होगा। उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा फिगर जो है इन चारों, इन तीनों से अलग है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी, ये पाँच भुजा है, एक दो तीन चार पाँच भुजा है, एक दो तीन चार पाँच, है ना, दो इधर दो इधर, ठीक है, दो दो चार एक छः भुजा इसमें भी है। अगर हम बात करें इसमें तो इसमें तीन भुजा है, अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी भुजा नहीं है। तो इसके क्या निष्कर्ष में हम पहुंचते हैं, ये सभी भुजा वाली आकृति है और ये बिना भुजा वाली आकृति है, तो इसमें सबसे भिन्न कौन सा है आप ही बताइए। इसका आंसर तो आप खुद देंगे, इसमें सबसे भिन्न क्या हो जाएगा, ये वृत्त, वृत्त जो है वो सबसे भिन्न है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसी प्रकार से आप लोगों को एग्ज़ाम में भी आंसर करना है। अब आप इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए, इस वाले सवाल में आप ध्यान से देखेंगे ये जो जिग जैग बनाया जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको वी की तरह आकृति दिख रही है, सभी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, लेकिन ये वाला जो एगो फिगर आप दिख रहे हैं इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप इस वाले फिगर को ध्यान से देखेंगे, इस वाले फिगर में आप देखेंगे कि ये जो आकृति है, यहाँ का जो गोल है और ये वाला जो घुमा हुआ है, ये दोनों विपरीत दिशाएँ में है, चाहे आप इधर देखें तो चाहे इधर देखें, इन दोनों का दिशा विपरीत है, चाहे आप यहाँ देखें चाहे आप यहाँ देखें। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले फिगर में कि इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो बिल्कुल एक ही दिशा में है, तो यही वाला फिगर जो है सबसे भिन्न है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कुछ आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, इन आकृतियों को आप ध्यान से देखिए, इन आकृतियों को क्या क्या किया जा रहा है, बीस से काटा जा रहा है। ये वाला आकृति है आप देख रहे हैं, इसको क्या किया, बीस से काट दिया। ये त्रिभुज था, इसको भी बीस से काट दिया। ये आपका वर्ग था, इसको भी 20 से काट दिया। लेकिन यही एक ऐसा फिगर है जिसको काटा नहीं गया है, जिसको काटा नहीं गया है। तो सबसे अलग इसमें कौन सा फिगर बन रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को एग्ज़ाम में भी अपना आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल में आपको एक फिगर दिख रहा होगा, फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी बाहर वाले फिगर हो या अंदर वाले फिगर हो, इसमें आप ध्यान से देखेंगे सबको कॉर्नर से कॉर्नर मिलाया जा रहा है। ठीक है ना, यानी सबके कोनों से कोन को मिलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके कॉर्नर से इसके कॉर्नर को मिला दिया, यहाँ पर इसको कॉर्नर के इसके कॉर्नर से मिला दिया। इस वाले फिगर में भी आप देखेंगे तो कॉर्नर से कॉर्नर को ही मिलाया जा रहा है, लेकिन इस वाला फिगर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीचम बीच मिला दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सबसे अलग दिख रहा है। अब आते हैं अगला सवाल पे। अगले सवाल को ध्यान से देखिए, इस सवाल में आप देख रहे हो कि हर एक फिगर को बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है। जैसे इस वाले फिगर को आप देखेंगे, यहाँ पे जब कटिंग किया गया, एक दो तीन चार भाग में बांट दिया। इस वाले डायरेक्शन में इस फिगर को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक दो तीन चार, चार भागों में बांटा, यहाँ पर भी एक दो तीन चार, सभी चार चार भागों में बट रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक दो तीन चार। ठीक है, तो इस वाले फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो एक दो तीन चार, ये जो है बट, ये जो वाला जो बट रहा है ये कुछ अलग ढंग से बट रहा है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ये बराबर तो चार भाग में बट रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं बट रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बराबर ये इसलिए नहीं बट रहा है कि इसकी साइज़ इसकी साइज़ इसकी साइज़ सब अलग अलग हो जा रही है, लेकिन इन लोगों को जो आपस में बांट रहा है वो बराबर साइज़ में बट रहा है ना, देख रहे होगे आप, बराबर साइज़ में, ये भी बराबर साइज़ में, ये बराबर साइज़ में नहीं बट रहा है। ये दोनों तो सेम हो गया, लेकिन ये ऊपर नीचे वाला दोनों का साइज़ अलग अलग हो गया। तो इस बिना पर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल को ध्यान से देखिए, इस सवाल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है आपको चार फिगर दिया गया है
और इन चारों फिगर में से आपको आंसर वाला फिगर चुनना होगा, और वही आंसर आपका होगा जो इन तीनों से भिन्न होगा, यानी तीनों से वो सबसे अलग अपना स्थान रखता होगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक दो तीन, तीन छड़ी से यह बना है, एक दो तीन, तीन लकीर से यह भी बना है, एक दो तीन, तीन लकीर से यह भी बना है, एक दो तीन चार, ये जो आकृति बना है आपका ये चार लकीर से बना है, और ये चार लकीर से बना है इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से क्या है, भिन्न है, अलग है। ठीक है, सेम एज उसी प्रकार से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे, हो सकता है कि आप इसका आंसर हमसे पहले कर देंगे, है ना। अगर आप इसका आंसर हमसे पहले कर पा रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देना है कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और इसके पहले भी हमने आपके लिए एक वीडियोज़ बना दिया है, ठीक है, वीडियोज़ आपको लिए बना दिया गया है, तो आप जो है उसको देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप जो है वहाँ पर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए ये वाला सवाल भी आपको बता ही देते हैं, इस सवाल में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इस सवाल में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इस सवाल में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो ये वाला जो आकृति देखिए, ये वाला आकृति यानी आमने सामने का जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है वो बिल्कुल सेम है, अगर यहाँ सरपट है तो ये भी सरपट है, ये हल्का घुमा हुआ है तो ये भी हल्का घुमा हुआ है, ये भी सरपट है, ये भी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये अगर आकृति ऐसे है तो इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या किया, उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो उल्टा कर दिया तो ये वाला आकृति सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को देखिए जो वृत्त आपका बाहर है वही वृत्त अंदर में, जो वर्ग आपका बाहर है वही वर्ग अंदर में, जो आयत आपका बाहर है वही आयत अंदर में। अब एक बात बताइए, यहाँ पर वर्ग है यहाँ पर वृत्त कैसे हो गया, ठीक है, तो सेम डिज़ाइन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 21 को भी आप ध्यान से देखिए, 21 में आपको यहाँ पे दिखेगा कि सभी को सेम बराबर भागों में बांटा जा रहा है, ये दोनों बराबर भाग में, ये दोनों बराबर भाग में, ये बराबर भाग में, क्या इसको बराबर भागों में बांटा जा रहा है, नहीं, इसको अगर थोड़ा सा इसको बराबर भाग में अगर बांटने का होता तो इसको भी हम लोग क्या करते, इसको भी जो है नीचे से बीचम बीच काटा जाता है ना, या तो इधर से काट दीजिए आप, या नहीं तो अगर आप इधर से नहीं काटे तो आप इधर से काट दीजिए, या इधर से नहीं काटे तो इधर से काट दीजिए, लेकिन ये इधर उधर से नहीं काटा, ये डायरेक्ट इधर से ऊपर से काट दिया है, तो ये बराबर भाग में नहीं बटा। ठीक है, तो सेम है जी, ये बराबर भाग में नहीं बटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो तीनों से क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।